हेलो एवरीवन, आज हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, जो कि 2016 में यूपीएससी सेकंड में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। इस वीडियो में सेंटेंस इंप्रूवमेंट सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, मैं हूँ तुषारगर एंड आप देख रहे हैं अपना चैनल बी आर रॉ। क्वेश्चन नंबर वन इज, सपोज इफ यू आर सेलेक्टेड विल यू गिव अस ए ट्रीट। ऑप्शन नंबर ए इज सपोजिंग इफ, ऑप्शन नंबर बी इज इफ सपोज, ऑप्शन नंबर सी इज इफ एंड ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट। इस के अंदर जो सपोज इफ का यूज किया गया है क्वेश्चन के अंदर, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये सुपर फेलस हो जाता है तो अपना नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो सकता। एंड इन दोनों में से एक ही चीज का यूज होना चाहिए था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सेम इन दोनों में इसका यूज हुआ है तो ये भी नहीं होगा। सपोजिंग इफ में भी दोनों यूज किए गए हैं तो आंसर ये भी नहीं होगा, तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। एंड रीजन है, यूजिंग टुगेदर ऑफ सपोज इफ बिकम्स वर्थलेस, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर टू इज, आई वुड रेदर हैव ए नोवल एनिमी देन ए मीन फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए इज वुड हैव मोर हैव, ऑप्शन नंबर बी इज वुड हैव, ऑप्शन नंबर सी इज बिल है, ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट। सो इसके अंदर कहाँ एरर है, इसके अंदर एरर नहीं है। क्यों नहीं है? पहला तरीका इसका देखने का कि रेदर के साथ हमेशा देन का उपयोग किया जाता है, जो कि इसी के अंदर है, और बाकी तीनों ऑप्शन में रेदर का उपयोग नहीं किया जा रहा, तो ये दोनों तीनों नहीं होंगे। एंड सेकेंड थिंग इज, गुड रेदर के साथ हमेशा बेर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हैव दिया हुआ है जो कि सही है, अपना आंसर डी बन गया था, ये दूसरा रीजन था, है ना। तो इसमें ना आयरन होने के कारण हम बाकी ऑप्शन को नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री, ही डिसाइडेड टू टेक द हेल्प ऑफ ए गाइड लेस्ट ही मे मिस द वे। ऑप्शन नंबर ए इज शुड, ऑप्शन नंबर बी इज विल एंड ऑप्शन नंबर सी इज माइट, लास्ट इज नो इम्प्रूवमेंट। लिस्ट के साथ हमेशा सुड का यूज किया जाता है, ये हमेशा याद के लिए, तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही वांटेड माय परमिशन टू टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर ए इज टू टेक पार्ट इन, ऑप्शन नंबर बी इज फॉर टू टेक पार्ट इन, ऑप्शन नंबर सी इज फॉर टू टेकिंग पार्ट इन, लास्ट इज नो इम्प्रूवमेंट। इसके अंदर देखा जाए तो ये वांटेड है, वांटेड के बाद ऑब्जेक्टिव का यूज किया गया है, जब भी ऐसा होता है तो इसके बाद आने वाला हमेशा इन्फिनेटिव होता है, और इन्फिनेटिव ये तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। फोर का यूज नहीं होता इन्फिनेटिव में, ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया, फिर अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए, वांटेड देन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लास्ट इज इन्फिनेटिव, जो केवल ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव, वी आर डूइंग दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर्स। ऑप्शन नंबर ए इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, ऑप्शन नंबर बी इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, ऑप्शन नंबर थ्री इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर एंड लास्ट इज नो इम्प्रूवमेंट। इसके अंदर एरर कहां पर है? इसके अंदर कभी भी किसी भी एडजेक्टिव का यूज द आर्टिकल के साथ किया जाता है तो उसके साथ एस नहीं लगाया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत था। तो सही कौन सा है? सही है अपना ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फोर का यूज कर दिया और यहाँ पर हमको चाहिए था इन, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। एंड सेम रीजन इसका यही है, यहाँ पर रिपोर्ट लिखा गया है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया था, राइट आंसर था अपना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन एट नाइट। ऑप्शन नंबर ए इज डेस्टिनेशन, ऑप्शन नंबर बी इज एट हिज डेस्टिनेशन, ऑप्शन नंबर सी इज ऑन हिज डेस्टिनेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट। So, इसके अंदर आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। क्यों? अब देखेंगे, इसमें रीच ए प्लेस होता है, रीच के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर बी गलत हो गए। एंड रीच इन डेस्टिनेशन का मतलब है वह अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया रात पर, रात में, अपनी के लिए यहाँ इसका यूज किया गया है, तो यहाँ पर ए का होना भी गलत है, अपना यहाँ पर आंसर है नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ किसी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन, वन इज ऑफ्टन प्लीज विथ हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर ए इज विथ वन सेल्फ,
Option number B is with themselves. Option number C is with oneself. Option number D is no improvement. यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में वन का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए हिमसेल्फ का उपयोग करना गलत होगा, तो अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ ही गलत हो गया। एंड वन सेल्फ यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पोसेसिव का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये फॉर्म लिखा हुआ है जो गलत है। यहाँ डेमसेल्फ भी नहीं आएगा, यहाँ चाहिए अपने को वन सेल्फ, जो केवल ऑप्शन नंबर सी में है। अपना आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। Unless you are not very careful, you will run into debt. Option number A is are very. Option number B is will be very. Option number C is maybe. Option number D is no improvement. Option number D नहीं होगा। क्यों? क्योंकि unless के साथ कभी भी not का use नहीं किया जाता। तो अब आंसर कौन सा है? आंसर है अपना ऑप्शन नंबर A. क्यों? क्योंकि यहाँ बिल भी नहीं चाहिए था हमको, यहाँ मे भी नहीं चाहिए। अभी दोनों क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अनलेस के साथ कभी भी मॉडल का यूज नहीं किया जाता, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। आई एम लिविंग इन बॉम्बे फॉर द लास्ट 10 इयर्स। ऑप्शन नंबर ए इज हैड लिव्ड। ऑप्शन नंबर बी इज हैव बीन लिविंग। ऑप्शन नंबर सी इज लिव्ड। ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि 4 के साथ यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस आना चाहिए था, और ये है प्रेजेंट के अंदर, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ना ही ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है, आपने उसे परफेक्ट, ये पास्ट को दर्शाता है, पास्ट इंडेफिनिट को ये भी नहीं है, और यहाँ पर प्रेजेंट का यूज किया गया तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है। अपना आंसर था ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। This scooter is not as efficient as it used to be. Instead, it is still a very useful machine. Option number A is similarly. Option number B is furthermore. Option number C is nevertheless. Option number D is no improvement. इसके अंदर instead का use किया गया है। Instead का use करना गलत है, क्योंकि instead के साथ हमेशा of preposition का use किया जाता है, जो कि यहाँ पर नहीं है, और इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है। यहाँ पर एक कंप्लीट सेंटेंस दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी का होना गलत है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने लिख रखा है, नेवर दी लेस कमल होता है इन स्पाइट ऑफ कमल होता है के बावजूद। इस कार्ड कहते हैं कि दिस स्कूटर इज नॉट एज एफिशिएंट एज इट टू बी। ये स्कूटर उतना एफिशिएंट नहीं है। Instead, it is a very useful machine. जबकि यह एक बहुत useful machine है। जबकि आपके बजाय के बजाय ही है वह बहुत useful machine है। एक scooter जो useful machine है, लेकिन वह इतना efficient नहीं है जितना होना चाहिए था। तो यहाँ पर nevertheless का use किया जाएगा, ना ही furthermore का, ना ही similarly का। Next question is question number 11. Teacher Did teacher as well as his wife were invited? Option number A is was invited. Option number B is were also invited. Option number C is were being invited. Option number D is no improvement. इसमें as well as conjunction का use किया गया है, तो इसमें जो verb आती है वो first subject के according आती है, तो यहाँ पर were plural है, लेकिन अपने वो verb चाहिए वो singular होनी चाहिए, तो अपना answer है option number D नहीं, क्योंकि यहाँ अपने को वाच चाहिए, वो केवल ऑप्शन नंबर ए में है, ना ही ऑप्शन नंबर बी में, ना ही ऑप्शन नंबर सी में। ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आंसर है, और एस वेल एस टूगेदर विथ एंड नॉट अलोंग विथ इन सब में से किसी भी कंजक्शन का यूज किया जाता है, तो अपने को वर्क हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करनी है, जिस तरह से यहाँ पर यूज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। I wish I can help you. May help, could not help, could help and no improvement. क्या आंसर होगा? I wish का उपयोग जब भी किया जाता है, तो उसके बाद आगे वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट में होता है, और ये हमको यहाँ पर प्रेजेंट में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं है, एंड ऑप्शन नंबर ए भी इसका आंसर नहीं है। अब बचता है ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर केवल पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आई विश के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, इसलिए अपना आंसर था ऑप्शन नंबर सी। एंड थर्ड इज आई विश के साथ सब्जेक्ट आता है,
एंड वर्ब आती है, प्रेडिकेटिव आता है। ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, एंड बच्चा को चाहिए था, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। माय ब्रदर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिज एम्प्लॉयर टुमारो टू मीट फॉर मीटिंग दैट ही मे मीट एंड नो इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या होगा? इसके अंदर आंसर है डी। क्यों? क्योंकि इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, जब भी इसको ना देखकर लुकिंग फॉरवर्ड टू देखेंगे, जब भी लुकिंग फॉरवर्ड टू का उपयोग किया जाता है तो इसके बाद आने वाला आंसर जीरंड होता है। तो ये जैसे जीरंड होता है तो अपना आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी, ना ही ऑप्शन नंबर सी, ना ही ऑप्शन नंबर बी एंड ना ही ऑप्शन नंबर ए। ये तो वैसे भी इन्फिनेटिव हो गया है तो अपने को जीरंड चाहिए। बाकी कुछ और हैं जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू, एडवर्टेड टू, एक्सपेक्टेड टू, बिहेवियर टू एंड ऑब्जेक्ट टू, इन सब के बाद भी हमेशा जीरंड का उपयोग किया जाता है जैसे इस क्वेश्चन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। माय फादर हैज गिवन हिज एसेंट फॉर माय लॉन्ग टू, एसेंट अप्रूव एसेंट एंड नो इम्प्रूवमेंट। इसके अंदर असेंट, एसेंट का मतलब है चढ़ाई करना, लेकिन इस सेंटेंस का अर्थ है कि मेरे पिता ने मुझे लॉन्ग टूर के लिए परमिशन दे दी थी। परमिशन के लिए एसकेंड का यूज नहीं होता, ये तो चढ़ने के लिए यूज किया जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं होगा, अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि एसेंट का मतलब होता है टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, किसी को परमिशन देना या उससे सहमत होना। इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी था, ना ही ऑप्शन नंबर बी एंड ना ही ऑप्शन नंबर ए। एंड जैसे यहाँ पे लिखा है कि एसकेंड का मतलब होता है टू क्लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। हैव यू वर्क हैज बीन ट्रस्टेड ऑन मी, हैज बीन ट्रस्टेड, हैज ट्रस्टेड, हैज ट्रस्ट डाउन एंड लास्ट इज नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर हैवी वर्क है, ये यहाँ पर यूज किया गया है पैसिव वॉइस के अंदर, तो यहाँ बीन का उपयोग होना चाहिए था जो कि यहाँ पर है। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। अब बचते हैं ये दो, तो इसके अंदर ट्रस्ट का यूज करना, इंटरेस्टेड का यूज करना, दोनों ही सही है। लेकिन यहाँ पर 15 में गलती भी तो नहीं है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं लगा सकते, अपने को आंसर ऑप्शन नंबर डी ही लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट लिखा होता तो भी सही होता, तो यहाँ पर अपन ए भी नहीं लगाएंगे, अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे यहाँ पर लिखा है ट्रस्ट की फर्स्ट फॉर्म ट्रस्ट, सेकेंड इज ट्रस्ट, थर्ड भी ट्रस्ट है, लेकिन कोई चांस में ट्रस्टेड यूज किया जाता है तो उसको गलत नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। नो सूनर हैड ही कंप्लीटेड हिज फर्स्ट नॉवल देन ही फॉल सीरियसली इल। ऑप्शन नंबर ए इज ही हैड कंप्लीटेड, ऑप्शन नंबर बी इज कुड ही कंप्लीटेड, ऑप्शन नंबर सी इज ही कंप्लीटेड एंड ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट। इस सेंटेंस में किसी भी चीज की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि जब भी सेंटेंस नो सूनर से चालू होता है तो उसके बाद हमेशा एच भी आती है, एच भी मिलता है हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड दिया हुआ है, एंड उसके बाद आता सब्जेक्ट जो ही के रूप में है, एंड उसके बाद आता मेन वर्ब जो कि कंप्लीटेड लिखा हुआ है, एंड बाकी का रहता है ऑब्जेक्ट जो हिज फर्स्ट नॉवल है। तो अपने कोई एरर नहीं थी इसमें, तो अपना आंसर हो गया था नो इम्प्रूवमेंट। ना ही अपना आंसर सी है, ना ही अपना आंसर वी है एंड ना ही अपना आंसर ए है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। देयर इज मेनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ऑप्शन नंबर ए इज कप एंड लिप, ऑप्शन नंबर बी इज कप्स एंड लिप्स, ऑप्शन नंबर सी इज द कप एंड द लिप, ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट। हमने यहां पढ़ना है कि जब भी किसी भी कंजक्शन का यूज किया गया हो और उसके बाद दोनों नाउन डिफरेंट डिफरेंट हो तो आर्टिकल भी डिफरेंट डिफरेंट यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अदा कर दिया, यहाँ पर नहीं किया गया, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर नहीं डी है, अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर दा दोनों नाम डिफरेंट डिफरेंट है और उनके लिए यूज किया गया है, तो अपना आंसर बनाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना ही बी एंड ना ही डी। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, हैंड हैव सिमिलरिटी ऑफ आर्टिकल्स बिफोर नाउन इफ दे रिप्रेजेंट टू डिफरेंट थिंग्स ऑफ पर्सन। ये दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पर दोनों आर्टिकल का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। We can go out whenever we choose if to, isn't it? ये क्या है? ये है क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन।
Option number A is can't be. Option number B is are we not. Option number C is don't we. Option number D is no improvement. Option number B गलत हो जाता है क्योंकि हमेशा क्वेश्चन टैंक के अंदर शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जाता है ना कि इसका पूरा लिखा जाता है. और दूसरी बात नोट का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है तो भी ये गलत है. सेकेंड थिंग्स इसके अंदर वर्ब का यूज कैन का यूज किया गया है तो यहाँ पर भी कैन का यूज करना चाहिए था. तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर नहीं है ना ही ऑप्शन नंबर सी है. अपना आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए. एंड आगे का पढ़ते हैं अपन. इसमें अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो अपना क्वेश्चन टैंक नेगेटिव बनता है जो कि कांट बी से बन रहा है. अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो अपना क्वेश्चन टैंक पॉजिटिव हो जाता. सो ये भी याद आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. ही वाज टू कंसाइटियस इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी दैट ही कुड नॉट सर्व दैट एक्सप्लोरर फॉर लॉन्ग. ऑप्शन नंबर ए इज दैट ही वुड नॉट सर्व. ऑप्शन नंबर बी इज सर्विंग. ऑप्शन नंबर सी इज सर टू सर. ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. क्यों? पहले तो मैं बताता हूँ कंसाइटियस का मतलब होता है ईमानदार होना. वह अपनी ड्यूटी से इतना ज्यादा ईमानदार था एक्सपोर्टर का मुद्दा शोषण करना कि वो अपने जो उनका शोषण कर रहा था तो उनको ज्यादा सर्व नहीं कर सकता था. यहाँ पर बताया गया अपने को कि वो क्या कहना चाह रहा था कि उसकी ईमानदारी इतनी ज्यादा थी कि वो और शोषण नहीं कर सकता था. यहाँ पर शक्ति के अर्थ में आया गया है. ये सबों का यूज होना गलत था. यहाँ उसकी एबिलिटी की बात की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. डिसाइड वन वे और द अदर यू कांट बी सिटिंग ऑन द फेंस फॉर एवर. ऑप्शन नंबर ए इज बी सीटेड ऑन द फेंस. ऑप्शन नंबर बी इज बी सिटिंग एंड फेंसिंग. ऑप्शन नंबर बी इज सी वी डांसिंग ऑन द फेंस. ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट. इसके अंदर एक आइडियम का यूज किया गया है सिटिंग ऑन द फेंस जो कि एकदम सही लिखा हुआ है. यहाँ पर किसी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं थी तो अपना आंसर था ऑप्शन नंबर डी. इसका मतलब होता है रिमेन अनडिसाइडेड मतलब अनिश्चित रहना कंफ्यूज रहना डिसाइड नहीं कर पाना कि क्या राइट है एंड क्या रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. रमन वांट्स टू डिस्पोज ऑफ हिज हाउस. ऑप्शन नंबर ए इज टू डिस्पोज ऑफ. बी इज डी डिस्पोजल ऑफ. सी इज डी डिस्पोजल ऑफ ऑफ एंड डी इज नो इम्प्रूवमेंट. इसके अंदर पूरा खेल केवल डिस्पोज ऑफ का ही है. यहाँ पर जब भी डिस्पोज ऑफ होता है तो डबल एफ नहीं आता हमेशा सिंगल एफ आता है जो ऑप्शन नंबर ए में है ना ही इसमें है. यहाँ पर दोनों का यूज कर दिया गलत है. ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर डबल एफ का यूज किया गया है. केवल डिस्पोज ऑफ होता है जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना टू गेट रिड ऑफ समवन और समथिंग. एंड यहाँ पर लिखा है डिस्पोज ऑफ गलत है ये कोई करेक्ट वर्ड नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. आई रिग्रेट फॉर यूजिंग ऑब्जेक्ट इनेबल वर्ड्स अगेंस्ट ए मैन सो माइटी. ऑप्शन नंबर ए इज डिपेंड फॉर. ऑप्शन नंबर बी इज सॉरी फॉर. ऑप्शन नंबर सी इज रिग्रेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट. ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है एंड समझने के लायक है. इसको ध्यान से देखिएगा कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए. क्यों? क्योंकि रिग्रेट के साथ किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं किया था ये याद रखना. तो अपना ऑप्शन नंबर डी नहीं था एंड ऑप्शन नंबर बी नहीं चाहिए अपने को. सॉरी फॉर का यूज नहीं चाहिए और रिग्रेट हो सकता था या फिर रिपेंट फॉर हो सकता था. अब यहाँ पर लिखा है कि रिग्रेट फोकस ऑन सेल्फ. रिग्रेट खुद पर फोकस करता है एंड रिपेंट होता है वो दूसरे पर फोकस करता है. अब इन दोनों का मतलब कैसे समझे मैं आपको अभी समझाता हूँ. ये देखिए ये एक आदमी है जो किसी भी सिग्नल को तोड़ गया था तो इसको पुलिस ने पकड़ लिया. अब इसको रिग्रेट भी है और रिपेंट भी है. कैसे रिग्रेट है? रिग्रेट ये है कि उसने वो सिग्नल तोड़ दिया था. इसको बोलते हैं रिग्रेट. ये खुद पर होता है कि उसने आप जान करके सिग्नल तोड़ा था उसको बोलते हैं रिग्रेट. इन दोनों का मतलब होता है अफसोस करना जो सेम है. अब रिपेंट क्या है? रिपेंट ये है कि उसने सिग्नल तो तोड़ दिया लेकिन वो पुलिस द्वारा पकड़ा गया था. अगर पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं जाता तो उसको रिपेंट नहीं होता. लेकिन
अगर रिग्रेट है तो रिग्रेट होता, लेकिन यहाँ रिपेंट का यूज नहीं किया जाता। अब समझ में आया? अब इसमें बताता हूं कि मैंने एक महान व्यक्ति के लिए ऐसे अपमानजनक वर्ड का यूज किया था, इसलिए मुझे खेद है। उसको इस बात का खेद नहीं है कि उसने अपमानजनक वर्ड का यूज किया था, उसको इस बात का खेद है कि उसने एक महान व्यक्ति के लिए अपमानजनक वर्ड का प्रयोग किया था। तो यहाँ दूसरे के ऊपर बात की गई है तो अपने वो यूज करना पड़ेगा रिपेंट का। तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए करेक्ट था, ना ही ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। रमेश इज वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर द पास्ट 3 मंथ्स। इसके अंदर अंडरलाइन नहीं है, इसके अंदर अंडरलाइन कर लीजिए इस वर्किंग होगा। ऑप्शन नंबर ए हैज बीन वर्किंग, ऑप्शन नंबर बी हैज बीन वर्क, ऑप्शन नंबर सी हैज वर्क एंड ऑप्शन नंबर डी इज नो इंप्रूवमेंट। ये सेंटेंस एक्टिव में है तो बीन का यूज नहीं होगा, बी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, सॉरी ए नहीं होगा, क्योंकि ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तो सही है, लेकिन ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट और जो कि पैसे में होता है ये, क्योंकि यहाँ बीन का उपयोग किया गया है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो अपना आंसर बी नहीं है, एंड सी भी हो सकता है, एंड डी हो सकता है। अब आगे देखते हैं हम कि यहाँ फोर का यूज किया गया है, फिर से उसके साथ पीरियड ऑफ टाइम का यूज किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग को परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। बचते हैं ए एंड सी। अब इसमें से ये प्रेजेंट टेंस में है तो अपने को ऑप्शन प्रेजेंट टेंस में चाहिए, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, अपना आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। अभी देखिए परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब लगता है, जब ऑफ के साथ पीरियड ऑफ टाइम का यूज किया जाता है। और पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या आते हैं, एस लाइक 3 डेज, 4 वीक्स, 2 ईयर्स, 3 मंथ्स, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। आई एम वेटिंग फॉर 3/4 of an hour। फिर से यहाँ फोर का यूज किया गया है एंड फिर यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम का यूज किया गया है, तो अपने बताइए परफेक्ट टेंस, लेकिन यहाँ कंटिन्यूस है, प्रेजेंट में भी है, तो अपना पहला तो आंसर डी नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो 3/4 of hour, 1 घंटे का 3/4 से वो वेट कर रहा है। तो सिंस का यूज नहीं होगा, क्योंकि सिंस का यूज हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ। ना ही ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ना ऑप्शन नंबर बी। अपना आंसर बच्चा पूछा है सी। देखिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। ये यूपीएससी सेकंड 2016 में आया हुआ लास्ट क्वेश्चन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। इस एग्जाम में 25 क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के आए थे, जो मैंने सारे के सारे इस प्रीव्यू में ले चुका हूँ। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिस बुक इज द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द 3। ऑप्शन नंबर ए इज द इंटरेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट। अब मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 चीज में से एक चीज, वो एक ही बुक ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। जब भी मोर देन 2 का यूज किया जाता है तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं है, क्योंकि यहाँ मोर वर्ड का यूज किया गया है जो एक कंपेरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर ए भी नहीं होगा, क्योंकि ना यहाँ पर सुपरलेटिव दे रखा है, ना यहाँ पर कंपेरेटिव दे रखा है, लेकिन हमको केवल सुपरलेटिव चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी एंड सी के अंदर है। एंड थर्ड थिंग इज सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, जो कि हमेशा ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो इसका आंसर सी भी नहीं है। जैसे मैंने बताया था, लिख रहा है कि 2 चीज से ज्यादा कंपेरिजन किया जाए तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, एंड सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। एक और चीज ध्यान रखिए कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता, इसकी सब स्पेसिफिक कंडीशन होती है जो मैं अभी तो नहीं बता सकता, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, अभी लेक्चर नहीं चल रहा। सो इस एग्जाम के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि मुझे क्या समझ में नहीं आया, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।